दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। थोड़ा स्टाइल नया था क्योंकि स्टाइल नया है। आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। टॉपिक जो है आज का वो ये है कि भाई अगर आपका आईडी फ्रीज हो जाती है। आईडी कौन सी फ्रीज होती है? टिकटॉक की। टिकटॉक की अगर आपकी आईडी फ्रीज हो जाती है तो क्या करना है, मतलब व्हाट बी नेक्स्ट, क्या आप कर सकते हो, उस आईडी को सुधारोगे या और क्या करोगे। तो आज के टॉपिक पर हम फटाफट से ही बात करने वाले हैं। तो आ जाते हैं फटाफट से टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। और करते हैं वीडियो अब स्टार्ट। यहां पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपकी आईडी फ्रीज है या अनफ्रीज है। वो कंपैरिजन आपको पहले करना है। वो कैसे करना है थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा मैं भाषण दूंगा नहीं। पहले क्या है कि आप लोगों की जो आईडी है टिकटॉक की उसको आप पूरा अच्छे से रिव्यू करो। रिव्यू इन द सेंस कि आप उसको कब से चला रहे हो। मान लो अगर आप एक महीने से, दो महीने से, तीन महीने से, एक साल से अगर आप उसको चला रहे हो या ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप सबसे पहले की वीडियोज़ देखना शुरू करो। मतलब जाओ स्क्रोल डाउन सबसे पहले की वीडियोस देखो। उस पर देखो व्यूज़ कितने आते थे, उस पर लोग कमेंट्स कितने करते थे, उस पर शेयर कितने मिलते थे। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए करना। व्यूज़, कमेंट्स, शेयर, लाइक का मसला बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यूज़, कमेंट्स, शेयर, लाइक नहीं देखना। तीनों चीज़ आपने देख ली। तीनों चीज़ देखने के बाद थोड़ा सा और पहले आ जाओ। जैसे मान लो आपने दो साल पहले चला रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एन एग्जांपल कि आप एक साल पहले चला रहे थे, तो एक साल में आपने लगभग एक 100 वीडियो डाली, तो 100 वीडियो में से फटाफट से जाके देख भी सकते हो आप। 100 वीडियो में आपने पहले कोई वीडियो देखी तो उस पर आपके जो व्यूज़ थे वो 2000-3000 व्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। अब उसमें से क्या था 2000-3000 व्यूज़ में, लाइक्स मायने नहीं है। मैं पहले बताऊँ क्योंकि लाइक्स मिलते हैं आपके कंटेंट के मुताबिक, वो व्यूज़ से मैटर नहीं करता। यहाँ पर क्या था, आपने देखा कि आपको जैसे कि 1500-2000 व्यूज़ मिले, थोड़ा सा और पहले से आ जाते हैं। ये तो आपने एक साल पहले वाली देख ली, थोड़ा सा और आ जाते हैं आगे चल के, यानी कि 100 वीडियो में से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वीडियो आपने देखी होगी। अब वही छोड़ के वीडियो थोड़ा सा ऊपर आ जाना है, मतलब 40वीं 50वीं वीडियो देख लेना है। 40वीं 50वीं वीडियो जैसे ही आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने जो व्यूज़ देखे वो व्यूज़ अब इंक्रीज़ हो गए, मतलब 2000 से 3000 के बीच हो गए। यहाँ पे आपको शेयर भी अच्छे मिल गए, यानी कि 5-6 शेयर मिल गए। कमेंट्स भी लोग करने लगे, पहले कमेंट कर भी रहे थे और नहीं भी कर रहे थे, लेकिन अब कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ इंक्रीज़ हुई। तो यहाँ समझ में आ गया कि आपकी वीडियोस इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लाइक्स का मैटर नहीं है, ध्यान रखना इन बातों पर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, लाइक्स अभी मत गिनना। यहाँ पे आपने वीडियोस पर इंक्रीज़ देख लिया, क्या क्या मिलने वाला है आपको, थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ। अब जब थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो उस पर आप क्या देखोगे, जैसे कि मान लो आपने 100 में से 10 वीडियो देख ली, फिर 50 वीडियो देखी, अभी आप देख रहे हो 80-90 वाली वीडियो। तो जब 80-90 वाली वीडियो देख रहे हो तो आप इसमें अगर देख रहे हो कि रेशियो बढ़ रहा है, तो समझ में आता है कि आपकी वीडियो जो है वो फॉर यू पर जा रही है, कंटेनर जा रही है और उसको टिकटॉक सपोर्ट करता है। लेकिन अगर वो नहीं जा रही है, अब मान लो आपकी जो वीडियो है उसके व्यूज़ हो गए 2000, तो उसमें दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है ये मैं अगली वाले इस पर बताऊंगा, यानी कि अभी जो इसके बाद एक और करवाऊंगा। तो अभी आपने ये छोड़ दो, आपने क्या देखा उस पर 2000 व्यूज है, कोई दिक्कत नहीं जी। 100वीं की वीडियो बाद अब आप एक नई वीडियो बनाओ। अब आपको जो वीडियो बनानी है वो इसी तरह की तीन वीडियो बनानी है। मैंने आपको तीन वीडियो दिखवाई थी अभी, ठीक उसी तरह की तीन वीडियो बनानी है अब आपको। चाहो तो आप उसी कंटेंट पर बना लो और चाहो तो आप उस कंटेंट को छोड़ के किसी और कंटेंट पर बना लो। लेकिन ध्यान रहे उन तीन वीडियो के अंदर जो आपके एक्सप्रेशन और जो आपका कंटेंट था, जो आपका बोलने का सलीका या फिर जो आप जिस तरह से उसमें एक्टिंग कर पा रहे थे वो ठीक उसी तरह से हो। मतलब 19-20 हो जाए लेकिन ठीक उसी तरह से हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी म्यूज़िक के ऊपर आप बना लो, किसी अच्छे टैग के ऊपर लगा दो उसको। इससे फ़र्क क्या पता लगेगा मैं आपको बताता हूँ। पहली वाली वीडियो जब आपने देखा था तो उस पर जब आप वीडियो बनाओगे, ये वीडियोस के व्यूज खिंच गए, मतलब कमी क्या थी, कंटेंट की, तो लोगों ने उसको देखना शुरू कर दिया, कंटेंट की कमी। अगर नहीं खिंचे तो यहां पर आपने जो देखा था पहले कितने थे आपके, 2000 व्यूज, फिर 3000 व्यूज, तीसरे में 1500 और चौथे में 1000 व्यूज। तो यहाँ पर तो आपने व्यूज़ कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही वीडियो आपने डाली तो व्यूज़ बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि अगर वीडियो चल रही है तो व्यूज़ बढ़ने चाहिए थे,
क्योंकि 1000 जिस पे आपने पहले देखा था 2000 व्यूज से, आज वही वीडियो जो है आपकी वो 200-300 पे आ रही है। मतलब आपके व्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे। तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपने इन्हीं तरह से तीन वीडियो मैंने बताई थी, आपने देखा था, उन्हीं तीन वीडियो पर आपने म्यूजिक बना दिया दोबारा से। अब वो उस पर ट्राई करके देखो। अब आपने ट्राई कर लिया, ट्राई करने के बाद क्या हो रहा है, वीडियो पे व्यूज डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है, सीमित लोगों तक पहुंचता है और टिकटॉक उस पर प्रेशर नहीं लगाता। ध्यान में आ गई ये बात, इसे ही कहते हैं फ्रीज। फ्रीज मतलब जम जाना। अब उसको ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, वो जाएगा तो टिकटॉक के हाथ में, वो थोड़ा सा ले जाएगा उसे, फिर वापस वहीं जाएगा। इसको कहते हैं फ्रीज। अनफ्रीज क्या है, अनफ्रीज ये होता है मतलब यहाँ आपने वीडियो डाली ऐसे और मिलियन लोगों तक वो पहुंच जाती है, करते 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 उसके अंदर आपका कंटेंट भी अच्छा होता है तो वो ऑलमोस्ट टच करती है। ये ठीक उसी तरह से है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लिया आपने फ्रीज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अनफ्रीज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है व्हाट बी नेक्स्ट, कि आप कोशिश करो कि दूसरा अकाउंट आपको बनाओ और दूसरे अकाउंट पर आप वीडियोज़ डालना शुरू कर दो। मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ कि भाई दूसरे वीडियोज़ पर अगर आप मेहनत करोगे तो भाई आपके वीडियोस पर व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, फॉर यू में भी जाएगी, कंटेंट अगर आपका अच्छा हुआ तो लाइक्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जो आपका अकाउंट है वो फ्रीज़ क्यों होता है। ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे चेक करो तो आपको फ्रीज़ पता चल जाएगा, लेकिन क्यों होता है ये किसी को नहीं पता। तो इसका सीधा सीधा सिम्टम्स ये होता है कि आप जब वीडियोज़ रेगुलरली नहीं बना रहे होते हो, तो बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैसी वीडियो लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, इस चीज़ को आजमा के देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये जानने के लिए कि आपका अकाउंट जो है फ्रीज या अनफ्रीज है। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, बाय।